नमस्कार, मकराना न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी और अब खबरें विस्तार से। नागौर जिला के केसूर पालिया थाना क्षेत्र में दो अलग अलग जगहों पर 3 मौत हो गई, एक गंभीर घायल हो गया। पुलिस के अनुसार अकोड़ा व निम्बेड़ा गांव के पास जीप व मोटरसाइकिल की भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार अकोड़ा निवासी सहिरेम पुत्र सोहन राम जाति जाट उम्र 22 वर्ष जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उसका छोटा भाई दिनेश उम्र 20 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका उपचार चल रहा है। इसी के साथ पुराड़ी फाटा से छापड़ा गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर शनिवार सुबह 11 बजे जो बुरडी फाटा से 1 किलोमीटर दूर आमने सामने मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 2 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल इतनी स्पीड से चल रही थी कि दोनों ही मौके पर मौत हो गई। हादसे के बारे में सुनकर आसपास की ढाणियों के लोग भी मौके पर पहुंच गए। थाना अधिकारी शंभुदयाल मीणा, हेड कांस्टेबल बलदेव राम, कांस्टेबल सहदेव राम कुमार ने मौके पर पहुंचकर मृतकों की पहचान बोर्डी निवासी सांताराम पुत्र राम निवास नायक उम्र 20 वर्ष के रूप में की। ये अपने खेत में काम करने के लिए गाँव बोर्डी की ओर आ रहा था। डीडवाना विधायक चेतन डूडी ने बताया कि अस्पताल चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर पीएमओ डॉक्टर जी के शर्मा के साथ बैठक लेते हुए चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किए जाने की उन्होंने बात कही। बैठक को संबोधित करते हुए विधायक डूडी ने उपखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमित रोगियों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए अस्पताल में व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी चिकित्सा कर्मी सतर्क रहें। किसी भी रोगी को किसी भी प्रकार की परेशानी अस्पताल में आने के बाद नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वेंटिलेटर मशीन ऑपरेट करने के लिए सीएमएचओ नागौर से भी वार्तालाप किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मशीन ऑपरेट करने की व्यवस्था की जाएगी। खीवसर के ग्राम पंचायत नागड़ी में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। नागड़ी में शुक्रवार को जोगेश्वर बाबा धाम पर बजरंग सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। कोरोना महामारी की रोकथाम व कोरोना बचाव के लिए मानव सेवा करने वालों का तहे दिल से सम्मान किया गया। बजरंग सेना ने जोगेश्वर धाम में एक कार्यक्रम आयोजित किया। वहां खीमसर पुलिस थाना अधिकारी ब्रजेश सिंह, हेड कांस्टेबल भारमल महादेव, राम रतन राजेश, महेंद्र को माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं बजरंग सेना ने उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कुचामन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह के कार्यक्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन भारतीय जनता पार्टी एवं लायंस क्लब कुचामन फोर्ट के द्वारा रखा गया। इस शिविर में श्याम ब्लड बैंक कुचामन एवं त्रिवेणी ब्लड बैंक अजमेर की टीम ने मोदी जी के 70वें जन्म दिवस पर 71 यूनिट ब्लड संग्रहित किया। इस अवसर पर पूर्व माटी कला बोर्ड चेयरमैन हरीश चंद कुमावत ने बताया कि मोदी जी की सदा ही सेवा करने की भावना रही है, उसी भावना के अनुरूप हमने भी रक्तदान करके मानव सेवा का उनके जन्मदिन पर संकल्प पूरा किया है। लायंस क्लब मकराना मार्बल सिटी के द्वारा प्रांत द्वारा निर्देशित मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन की मधुमेह, ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर की जांच करके उनको उचित सलाह दी गई। क्लब द्वारा ममता मेडिकल, जीसा भवन और बालाजी मंदिर बोरावर रोड पर शिविर रखा गया, जिसमें कुल 225 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 60 लोगों को मधुमेह की पुष्टि हुई। उन्हें डॉक्टर टीम द्वारा निःशुल्क कुचामन चिकित्सा परामर्श दिया गया।
राजस्थान में वर्तमान खनन नीति की समीक्षा कर नई खनन नीति के निर्धारण के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए राज्य सरकार ने खान विभाग के अधिकारियों की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह सरकार मकराना मार्बल खनन क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के खानधारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई पहली पहल मानी जा रही है। इसके लिए खान ग्रुप 2 विभाग के संयुक्त शासन सचिव ओम कसेरा ने गुरुवार 17 सितम्बर को आदेश जारी किए हैं। खान निदेशालय उदयपुर के अतिरिक्त निदेशक एनके कोठारी समिति अध्यक्ष होंगे, जबकि अतिरिक्त निदेशक भू विज्ञान जयपुर अजय शर्मा, अधीक्षण खनी अभियंता जयपुर बीएस सोढ़ा, अधीक्षक खनी अभियंता मुख्य अतिरिक्त निदेशक खान जयपुर एनएस शक्तावत व खनी अभियंता जोधपुर एसके शर्मा को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नागौर में वन महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर 105 पौधे लगवाए गए। समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को पौधे लगाकर उनकी कीमत देखभाल करनी चाहिए। आज समूची मानवता कोविड-19 महामारी के वायरस से लड़ रही है। हमारा भविष्य बेहतर सुरक्षित हो, इसके लिए हम सबको पौधे लगाकर बड़े काम करने होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमें आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा की गारंटी देनी है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में जो पौधे लगाए हैं उन्हें सुरक्षित एवं संरक्षण हो, हमारा नागौर जिला प्रदूषण मुक्त होकर हरियाला नागौर हो। एमडीए विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शुक्रवार से प्रारंभ हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार को नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित श्री बीआर मिर्धा महाविद्यालय में विद्यार्थियों को कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। साथ ही एवीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हर प्रकार की मदद पर कुशल प्रबंध किया गया। इस मौके पर सभी परीक्षार्थी से मास्क लगाने एवं सैनिटाइजर के साथ में रहने का आग्रह किया गया। सभी परीक्षार्थियों ने एवीवीपी के इंद्रपाल चोटिया सहित उनकी संपूर्ण टीम पर धन्यवाद ज्ञापित किया। एवीवीपी के इंद्रपाल चोटिया ने बताया कि जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है तभी से हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा राहत व बचाव कार्य में योगदान दिया जा रहा है। नागौर जिले में 43 और संक्रमित मिले हैं। इस तरह कुल कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा अब 4,171 तक पहुंच गया है, लेकिन इनमें एक्टिव मात्र 721 ही हैं। शनिवार को आई रिपोर्ट में सर्वाधिक लाडनू में 23, मिर्ता में 8, पर्वतसर मुंडवा एवं टिकाना में 2-2 तथा कुचामन में 4 व मकराना नागौर में 1-1 कोरोना संक्रमित आया है। सीएमएचओ ने बताया कि शनिवार को कोरोना में किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी अनुसार लाडनू शहर के तेरी रोड क्षेत्र में शनिवार को फिर कोरोना से एक और मौत दर्ज की गई। 60 वर्षीय महिला जयपुर में भर्ती थी और इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मृत्यु हो गई। शव को शनिवार को यहां लाया जाकर निर्देशों का पालन करते हुए कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। शहर में कोरोना से लगातार 2 मौतें हो चुकी है। इससे पूर्व बाकलिया में एक बालिका की भी मौत कोरोना से जयपुर में हुई थी। शनिवार को यहाँ 5 कोरोना के नए मामले सामने आए। भारत सरकार द्वारा रेलवे में आए दिन किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा पूरे देश में 14 से 19 सितंबर तक विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को NWRUS मेरता रोड शाखा द्वारा नागौर स्टेशन पर निजीकरण एवं निगमीकरण के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कर्मचारियों को सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध जागरूक किया गया। सहायक शाखा सचिव नीरज प्रसाद सिंह एवं शाखा उपाध्यक्ष अमरचंद बैरवा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आए दिन कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार द्वारा पदों का
सरेंडर करना, रिक्त पदों को ना भरना, पुरानी पेंशन योजना बहाल ना करना, डीए की 3 रोकी गई किश्तों का भुगतान करना, वेतन विसंगति को दूर ना करना, कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति देना जैसे कर्मचारी विरोधी कृत्यों पर कर्मचारियों ने गहन नाराजगी जताई है। नावा शहर के जाबदी नगर रोड पर तेज गति से आ रही बोलेरो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार व उसकी भतीजी के पैर में फ्रैक्चर हो जाने से वे घायल हो गए। पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल माघाराम टूंडी ने जानकारी देते हुए बताया कि जाबदी नगर रोड पर राठौर सॉल्ट के पास ठाटना निवासी धन्नाराम पुत्र भूलाराम मोटरसाइकिल से जाबदी नगर की ओर से आ रहे थे। इस दौरान सामने से तेज गति से आ रही एक बोलेरो ने मोटरसाइकिल को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दौरान मोटरसाइकिल साइकिल किल के पीछे उसकी भतीजी रेशमी 11 वर्ष पुत्री ओंकार राम दोनों का पैर फ्रैक्चर हो गया तथा पंकज 13 वर्ष पुत्र धन्नाराम और रवीना 11 वर्ष धन्नाराम घायल हो गए जिनको उपचार के लिए नावा के राजकीय अस्पताल लाया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पर्वतसर पंचायत समिति क्षेत्र की 42 ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवारों ने शनिवार को 371 प्रत्याशियों से भरा निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर 436 वार्डो में 894 वार्ड पंच प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। आज नाम वापसी व नामांकन पत्रों की जाँच के बाद प्रत्याशियों का समीकरण साफ होगा। शनिवार को नामांकन के साथ चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। प्रत्याशियों में वे पंचायतों में वार्ड पंच के प्रत्याशियों ने उत्साह से नामांकन पत्र दाखिल किए। जो सफर है किस टाइप का रहा, किस किस पदों पे आप कब कब रहे? हम 2006 से कोऑपरेटिव उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद में हमने वार्ड पंच का चुनाव ना विरोध हुए, चुनाव ना विरोध होने के बाद फिर हमने वार्ड पंच चुनाव जीतकर उप सरपंच ना विरोध हुए और अभी हमारी सीट नहीं है, अब हमारी लेडीज की सीट है, वो अपने सरपंच के दावेदार है। क्या नाम आपका, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हो आप? सरपंच मंगलाना सरपंच पद के दावेदार के रूप में हम इसमें उनके चुनाव मैदान में खड़े कैंडिडेट के समर्थकों से बात कर रहे हैं। कैंडिडेट के समर्थकों से हम पूछ रहे हैं किस तरह का आपका चुनाव होगा, क्या रणनीति आपकी? जी हमारी रणनीति, कितने कैंडिडेट अभी चुनाव मैदान में होंगे, आपका मुख्य मुकाबला किससे होगा? मुख्य मुकाबला गीता देवी से होगा, मंगलाना सामने रूपन्या और गीता देवी के सामने। अगर आप चुनाव जीत जाते तो क्या विकास कार्य करवाओगे? चुनाव जीतने पर बाद में बहुत विकास विकास की गंगा बहा देंगे पूरी। पूर्व सरपंच जो यहाँ से रहे हैं उनके कार्यकाल से आप कहाँ तक सहमत हो, क्या संतुष्ट हो? क्या पहले जो सरपंच रहे उनके कार्यकाल को लेकर के आपका क्या कहना है, उनका कार्यकाल अच्छा रहा? अच्छा रहा, उनका बहुत अच्छा रहा। जो पहले सरपंच उनका कार्यकाल अच्छा रहा? नंबर अच्छा, 10 सालों में अच्छा रहा कार्यकाल। क्या नाम आपका? मेरा नाम जयसराज है। हाँ जी, क्या करना चाहोगे आप, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ जो हमारे सरपंच साहब है, जो ये उम्मीदवार है, उनका अच्छा भी रहेगा, क्योंकि जो भी 10 सालों में वो कुलदीप सिंह जी वो अच्छा काम किया, और ये मैं सोच सकता हूँ ये भी अच्छा काम करेंगे। अच्छा ही किया, और ये भी अच्छा काम करेंगे। कागजों का काम था ने, वो एक भी बाकी नहीं, घर से जान जाते किसी पब्लिक को देशील में नहीं जाने दिया, खुद मन खुद का पैसा लगा के बरबसर में जाके सब बच्चे बच्चे का काम किया, नरेगा से लो, पेंशन विभाग से लो, पानी विभाग से लो, इसलिए खुद ने मेहनत की है। बात Watch it.
एक इसमें खड़े ग्राम पंचायत गुड़ा जहाँ पे सरपंच पद के प्रत्याशी सुरेश कुमार जी मौजूद है, उनके समर्थन के साथ में खड़े हैं। हम पूछना चाहेंगे किस तरह आपका मुकाबला रहेगा, क्या आपकी रणनीति है? हमारी रणनीति यही है, सबसे पहले विकास की रणनीति, क्योंकि हमारा गांव विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज हमारे गांव में पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, मतलब कई समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। इसका निवारण अभी तक कोई सरपंचों ने कोई निवारण नहीं हुआ है। ढाणियों की ढाणी की भी हालत वही है, गांव की देखो से गांव की दुर्दशा और बची है तो फिर ढाणी कहाँ जाएगी। हम यही चाहते हैं कि भाई अबकी बार आके गांव का विकास कराए, विकास का कार्य हो, गांव है पंचायत तो ये प्रगति की ओर जाए। कितने कैंडिडेट आपके चुनाव मैदान में? हमारे कैंडिडेट अभी तक मतलब 6 है, सब देखते हैं। अभी बाकी मुख्य मुकाबला किसने का कुछ मुकाबला ये तो पब्लिक बताएगी किसके बीच है। अच्छा कैंडिडेट तो ये कहेगा सब मेरे पास वोट है, सब दावेदारी पेश के हिसाब से चलेगा तो खड़ा नहीं होगा। मुकाबला तो दलबल के साथ पहुंची पूरा गुड्डा गांव दिल से और जीत के लिए हम से काम न्यूज़ फ्लैश।